यस फ्रेंड्स, तो ट्रांसफर प्राइस का हम ये क्वेश्चन करेंगे। डिवीजन ए ऑफ बेटर मार्जिन लिमिटेड हैज बीन गिवन अ बजटेड टारगेट ऑफ सेलिंग 2 लाख कंपोनेंट COM21। इट मैन्युफैक्चर्स एट अ प्राइस विच वुड फेच अ रिटर्न ऑफ 25% ऑन द एवरेज एसेट्स एम्प्लॉयड बाय इट। द फॉलोइंग फिगर्स आर रेलेवेंट। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज एसेट्स दे रखी है। हाउएवर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी फाइंड्स आउट बाय अ सर्वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ COM21 द मार्केट कैन टेक एट द प्रपोज प्राइस इज ओनली 1,40,000 यूनिट्स। फॉर्चुनेटली डिवीजन बी इज विलिंग टू परचेज द बैलेंस 60,000 यूनिट। द मैनेजर डिवीजन ए is willing to sell to division B at a concessional price of rupees 4 per unit, but the manager division B is ready to pay rupees 2.25 only per unit, as he feels he can himself make COM21 in his division at that price rather than sell to division B at rupees 2.25. the manager division A feels he will restrict the activities of his division to the manufacture and sales of rupees 1,40,000 component only. By this, he could reduce rupees 80,000 in his stock and 1,20,000 of plant and machinery and other assets and rupees 40,000 in selling and administrative expenses. As a cost accountant, you are asked to work out the various computations and show that selling of 60,000 COM21 to Division B at this would be in the interest of the organization. Okay, question आपको समझ में आ गया? एक हमारी Division A है जिसके पास 2 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, लेकिन मार्केट में 2 लाख की डिमांड नहीं है। मार्केट में जो डिमांड है वो 1,40,000 यूनिट की है। तो डिवीजन बी कहता है कि भाई तुम्हारी जो 60,000 यूनिट है वो मैं खरीद लूंगा, लेकिन मैं 4 या 4.5 ₹5 पे नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा ₹2.25 पे। क्यों? इस प्राइस पे मैं खुद बना सकता हूं, ठीक है। तो अब डिवीजन ए ने सोचा, यार तुमने मुझे फुद्दू समझ रखा है क्या, मैं मार्केट में बनाऊंगा ही। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया? ट्रांसफर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, ये नहीं कि डिवीजन ए को या डिवीजन बी को प्रॉफिट होना चाहिए। तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमें ये बताना है कि देखो सर, बनाने में, बना के बेचने में ज्यादा फायदा है, बजा की ना बनाने में फायदा है। कैसे बताएंगे ये आपको समझाना है, ठीक है। देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी एवरेज एसेट्स एम्प्लॉयड है वो कितनी है। हमारे पास लिखा हुआ है इन्होंने, संडी डेटर हैं 2 लाख के, स्टॉक है 6 लाख का, एंड प्लांट एंड अदर एसेट्स हैं हमारी 4 लाख के। तो टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 12 लाख की। डिजायर्ड रिटर्न कितना मांगा है इन्होंने? 25% ऑन एवरेज एसेट्स, दैट इज 25% ऑन 12 लाख, दैट इज 3 लाख रुपए, ठीक है। अब 3 लाख रुपए हम हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 4 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है वो है 1 लाख, ठीक है। तो पहले तो हमने निकाला कि रिटर्न कितना है, अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस।
तो देखिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आएगी 1 रुपए से 2 लाख, और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4 लाख, ठीक है, और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, ऊपर निकाला हमने 3 लाख, तो जो टोटल सेल वैल्यू आई वो कितनी, टोटल सेल आई हमारी 9 लाख की। अब इस टोटल सेल में जो नंबर ऑफ यूनिट है वो कितनी है, 2 लाख, तो जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी वो आएगी 9 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ये 4.5 रुपए पर यूनिट आ गया। क्लियर, हमें ये पता चल गया कि हमें किस प्राइस पर बेचना है। आप समझिए, सेलिंग, हमें ये पता चल गया कि हमें किस प्राइस पर बेचना है। एक मिनट, जरा इसकी इंक खत्म हो गई है, मैं निकाल लूं। अब हम इन इन इसको कंसीडर करके हम निकालेंगे अपना हम इसको कंसीडर करके निकालेंगे जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या कहती है, ठीक है, और फिर उस प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करेंगे हम अपने प्रपोजल से। ओके, सो वी हैव टू ऑप्शन। पहला, प्रोड्यूस एंड सोल्ड ओनली 1,40,000 यूनिट। दूसरा, प्रोड्यूस करें 2 लाख एंड सोल्ड करें टू मार्केट 60,000 को हम 60,000 यूनिट ट्रांसफर करें पर यूनिट, यही हमारे हैं। तो इन दोनों केसेस में हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे और अपना रिटर्न देखेंगे क्या आया, और जिसमें हमारे पास सबसे बेस्ट रिटर्न है वो हम अपना ऑप्शन कंसीडर कर लेंगे। सही है ना? तो पहला केस हम लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर ऑप्शन 1। हमारा सेल करेंगे हम कितनी होगी, 1,40,000 इंटू 4.5 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 1,40,000 इंटू 1 लेस फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। ये थोड़ा समझ लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारी 4 लाख, इसमें से सेविंग हो रही है जब हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। तो देखिए ये लाइन लिखी हुई है, इन्होंने ये लाइन लिखी है कि अगर जब हम 1,40,000 यूनिट बनाएंगे तो ये पैसा हम बचा लेंगे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, रिडक्शन हो जाएगा। तो सेविंग इन
सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये 40,000 के होंगे बचत मेरी। तो यहां जो मेरा नेट फिक्स कॉस्ट होगी वो होगी 1,40,000, नहीं 3,60,000, और ये सेल होगी हमारी 6,30,000 की। तो इस केस में मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,30,000। ओके, एवरेज एसेट जो मेरी होंगी इस केस में वो कितनी होंगी, इन्होंने बताया था कि आपकी जो 80,000 रुपए तो आपके स्टॉक में रिड्यूस हो जाएंगे और 1,20,000 प्लांट में रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि डेटर हमारे 2,00,000 ही रहेंगे, स्टॉक हमारा 5,20,000 हो जाएगा और प्लांट हमारा 2,80,000 हो जाएगा। तो जो एसेट्स हमारी एम्प्लॉयड रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 10,00,000। रिटर्न ऑन एसेट्स मेरा कितना मिला, 1,30,000 मिल रहा है मुझे 10,00,000 पे। इसका मतलब आपको 13% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर ऑप्शन 2। अगर हम अंडर ऑप्शन 2 प्रॉफिट बनाते हैं तो हमारी सेल कितनी होगी, एक तो टू आउटसाइड मार्केट, वो हमारी होगी 1,40,000 इंटू 4.5, 6,30,000, और टू डिवीजन भी वो 60,000 यूनिट हम 2.25 पर करेंगे तो ये होगी हमारी 1,35,000 यूनिट, ठीक है। लेस वेरिएबल कॉस्ट 2,00,000 और लेस फिक्स कॉस्ट 4,00,000। तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1,65,000। एसेट जो हमारी है टोटल एसेट्स वो है 12,00,000 रुपए। तो रिटर्न ऑन एसेट्स कितना आएगा, 1,65,000 अपॉन 12,00,000। 1,65,000 अपॉन 12,00,000 देखें कितना होता है, एक मिनट, 13.75%। तो अकल आ गई समझ में। अगर हम बनाते नहीं है, सिर्फ उतनी ही बनाते हैं जितनी मार्केट की रिक्वायरमेंट है, तो हमें रिटर्न 13% है, और अगर हम बनाकर बेचते हैं तो रिटर्न हमारा 13.75% है। तो हम डिसीजन क्या देंगे, क्वेश्चन में ये पूछा था, हम लिखेंगे एज रिटर्न ऑन एसेट्स इज मोर इन ऑप्शन 2, इट इज बेटर टू मैन्युफैक्चर इंटायर 2,00,000 यूनिट ठीक है, इंटायर 2,00,000 यूनिट। थैंक यू।